आप लोग कैसे हैं आई होप आप ठीक होंगे अल्लाह के फुस मैं भी ठीक हूँ जो मेरे चैनल पर नहीं हूँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना अब जहाँ भी नहीं हंस रहे गाते रहें खुश रहें सो गाइस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और यहाँ पे बहुत ठंड है अभी दोपहर के एक दो बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सुबह के ना छः साल बज रहे बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर तो घर दोपहर का ही टाइम से मुझे सुबह सुबह लग रहा है लेकिन दोपहर का टाइम है और मुझे अपने खेत का मैं विजिट करने आई थी और आज तो मैं आज ही मम्मा से मैंने एक फरमाइश की थी कि मम्मा आप मुझे किस पे चिकन विंग्स आप बना के देंगी सो so, अजी जी अभी चलते हैं हम लोग घर और देखते हैं कि मम्मा किस पे चिकन विंग्स कैसे बनाती हैं चले चलते हैं घर अभी हम लोग चलते हैं घर और उसके साथ में अभी पे चिकन विंग्स

बिस्मिल्लामान वहीम अभी हम लोग वन के चिकन के चिकन मिक्स बनाते हैं अमी हम लोगों ने एक शीशे का बाउल लिया है इसमें हम लोगों ने वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून जिले फिक्स वन टेबल स्पून लाल मिर्च वन टेबल स्पून काले मिर्च सो गज तकरीबन हम लोगों ने इसमें वन एंड हाफ टेबल स्पून चाट मसाले का डालने से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है सो गज तकरीबन हम लोगों ने इसमें तीन चार चुटकी बेकिंग सोडे के ऐड किए हैं सो गाइस तकरीबन इसमें वन टेबल स्पून कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है सो गाइस मैं तिल बहुत पसंद है एक चम्मच वन एंड हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें व्हाइट तिल ऐड किए हैं इससे बड़ा मजे का टेस्ट आता है जो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है वो भी मेरा मुझे अच्छे का लगता है अभी हम लोग सो गाइस हम लोगों ने इसमें अच्छा से कलर देने के लिए हम लोगों ने इसमें दो तीन चुटकी हम लोगों ने इसमें जर्दा कलर ऐड किया है और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है और एक लेमन तकरीबन तो एक हम लोगों ने लेमन ही चोट जिससे बड़ा खटा खट्टा थोड़ा टेस्ट आता है सो so गायज हमारे आज के चिकन विंग्स बड़े मज़े के बनने वाले हैं आप ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और तक तो ये मम्मा ने इसमें एक चम्मच वेनेगर का वेनेगर ऐड कर दिया है उसको अच्छी तरह मिक्स कर ली बड़ा मज़े का आज हमारे ये चिकन विंग्स बनने वाले हैं thank mm -hmm. you गाइस हम लोगों ने वन के चिकन विंग्स को लेके उसको अच्छी तरह धो के ड्राई कर ली है अब इसको अच्छी तरह धो के ड्राई कर लें और जो मसाला था हमें तैयार किया था उसमें हम लोगों ने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चिकन है वो अच्छी तरह जो मसाले वगैरह चिकन के अच्छी तरह जस्ट हो जाए सो गैस हम लोग इसमें दो चम्मच मैदा और तकरीबन हम लोगों ने इसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है उसको भी हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें कितना सा लग रहा है सो so गाइस आज के हमारे चिकन विंग्स बड़े मज़े के बनने वाले हैं देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया मैं आपको कहा था जर्दी कलर से इसका बहुत अच्छा कलर है देखिए इसका मतलब किस चीज़ उस जर्दी कलर से इसका कितना प्यारा कलर आया है आप इसको रैप करके दो तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि चिकन के अंदर मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए सो गैस प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आया करें आपको मैं बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस रेसिपीज़ एंड मेरे ब्लॉग मिलेंगे सो uh, so तकरी तकरीबन गैस दो तीन घंटे हो चुके हैं हम एक पैन में ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें उसमें एक एक पीस रखें चिक चिकन विंग्स का और कितने प्यारे लग रहे हैं सो so गैस पहले आप लोगों ने ऑयल को शुरू शुरू में ज़्यादा गर्म कर लेना बाद में जब चिकन इसमें ऐड करना है तो आपने इसको फ्लेम मीडियम कर लें इसे चिकन अंदर से सॉफ्ट और बाहर सॉफ्ट और नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेगा सो गैस वाकई आज के मजबूत हमारे चिकन विंग्स है बड़े मज़े के और टेस्टी बने थे अभी मम्मा ये चिकन विंग्स को बाहर निकाल लेती हैं कितने प्यारे लग रहे हैं सो गैस इनकी लुक बड़ी ज्यादा जबरदस्त आई है इसी तरह हम लोगों ने बारी बारी चिकन विंग्स को फ्राई कर लेना है माय क्रिस्पी चिकन विंग्स हो चुके हैं फ्राई और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती है और आप भी इसकी देखिए फाइनल सो गाइज सो हमारे चिकन विंग्स हो चुके हैं रेडी। सो so अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि चिकन विंग्स कैसे बने हैं मम्मा ने खुद ही घर बनाए हैं बड़े मजे के बनते हैं आप ही बनाना

आप इसको वैसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं नान के साथ भी खा सकते हैं बड़ा मज़े का लगता है कि गज़ आप बताएँगे आपको मेरे ये चिकन विंग्स की रेसिपी कैसी लगी आप अपने घर में भी जरूर ट्राई करना सो so बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा जो मिलेंगे नेक्स्ट फ्लॉक में मेरा आज का ब्लॉक कहीं ख़त्म होता है अल्लाफ़ी बाय बाय टाटा यू